दादी बहुत बुरा हुआ, बापू जी ने पूनम जी की शादी वाला काम लेने से मना कर दिया। दादी तुम बात करो ना बापू जी से। मैं? हाँ, अगर तुम बाबू जी को समझाओगी तो वो अपना फैसला जरूर बदल देंगे। अगर ये काम नहीं कर पाया तो जिंदगी भर इसी दर्द के साथ जीता रहूंगा कि पूनम जी के घर वालों ने बड़े विश्वास से मुझे जिम्मेदारी दी थी और मैं इसे निभा नहीं पाया। सचमुच मेरे लड्डू गोपाल जैसे इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जिसे दिलो जान से चाहता है उसी की शादी अपने हाथों से करवाने की जिद कर तुम कैसे भी करके बाबूजी को मना लो ना दादी। प्रार्थना को मालूम है तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। उसे मैंने सब कुछ बता दिया। चलो मेरे साथ। अरे दाल लेकर इस तरफ भी तो आओ, देखो इनकी कटोरी खाली है। पापड़ नहीं भुनवाया क्या? मालूम है ना बिना पापड़ के जय को खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। रायते का बर्तन दो यहाँ। दीदिया आजकल तो बाजार में अचार वाले आम कितने भर भर के मिल रहे हैं, फिर तुम आम का अचार क्यों नहीं बनाती हो? जीजाजी को तो बहुत पसंद है। अरे बहू छत पर आम सुखाने के लिए कहा था तुम्हें। मैंने तभी के तभी जुगनू को कह दिया था। जुगनू को कह दिया था? जुगनू से ही कहना होता तो मैं तुमसे क्यों कहती। इसे कहते हैं लापरवाही की हद। ठीक है मैं खुद जाकर सुखा देती हूँ। आइए आपकी भी थाली परोस दो, आप भी खाना खा लीजिए। इन लोगों को खा लेने दो, हम लोग बाद में खा लेंगे। ठीक है। शशि। जी माँ। बेटा जब मैं भगवान को भोग लगा रही थी तो मैंने तुम लोगों की बातें सुनी। तुम लोग वो लखनऊ में शादी के ठेके की बात कर रहे थे ना? जी माँ। ये आकाश मुझे कह रहा था कि तुम लोगों ने वो काम लेने से मना कर दिया। जी माँ उनका बजट थोड़ा सा। हर काम को रुपए पैसे के तराजू में नहीं तोला जाता शशि। ये सही है कि तुम लोगों को व्यापार के बारे में मुझसे ज्यादा ज्ञान है। माँ आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे परिवार को दुआओं की बहुत जरूरत है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। अब देखो ना जय की बहू के पांव भारी नहीं हो रहे। और हमारी फूल सी बच्ची प्रार्थना की शादी में भी अड़चन आ रही है। तुम्हारा भाई रवि गुस्से में घर छोड़कर चला गया। मैं कुछ कहती नहीं हूं लेकिन हर वक्त सब मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। इसीलिए कह रही हूँ हम लोगों को दुआओं की जरूरत है। और फिर लड़की की शादी में मदद करना तो पुण्य का काम है बेटा। ऊपर वाले ने तुम्हें ये पुण्य कमाने का मौका दिया है। मैं तो बेटा कहूंगी कि इस मौके को सिर माथे लगा लो। माँ आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। आकाश तुम अपने हिसाब से प्रभुनाथ जी का काम संभाल लो। जी। आकाश तुम भी खाना खा लो। तुम दोनों भाइयों को मेरे साथ बाजार चलना है। दरअसल बस अड्डे में बाजार समिति वालों ने एक बैठक बुलाई है, शायद किसी तरह का कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं। जी बाबूजी। अब बाबूजी
आप और आकाश चले जाइए, मुझे कन्नू के साथ डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है आकाश, तुम आ जाना। जी बाबूजी। जुगनू हमारा खाना लगा दो। अब ये डॉक्टर का क्या चक्कर है, आपने मुझे पहले तो बताया नहीं। अरे यूं समझो कन्नू डार्लिंग के चक्कर ही चक्कर है। अरे डॉक्टर के पास किसको जाना है, वो तो नीचे मैंने सबके सामने ऐसे ही झूठ बोल दिया था। लेकिन क्यों, और अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे तो फरमाएंगे कि हम कहां जा रहे हैं? पार्टी में जा रहे हैं मेरी जाने मन। तुम वो मेरे दोस्त को जानती हो ना रघु, जो पानी की टंकी के पास रहता है? आज उसके घर पे पार्टी है, सभी यार दोस्त अपनी अपनी वाइफ को लेकर वहां पर आ रहे हैं, तो मैं क्या तुम्हारे बिना ही चला जाता? और रही नीचे सच बोलने की बात, तो नीचे सच बोलता तो गड़बड़ हो जाती कि काम धंधा छोड़कर पार्टी में जाने वाली बात किसी के गले नहीं उतरती, इसलिए कभी कभी टेक्निकल झूठ बोलना पड़ता है कन्नू डार्लिंग, कुछ समझे? बाबूजी का तो पता नहीं, पर माँ जी तो जरूर मना कर देती, उनसे तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती। अच्छा ये सब बातें छोड़ो और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। कौन सी वाली साड़ी पहनूं जी? अरे नहीं नहीं, साड़ी पहन के नहीं जाना है। साड़ी पहन कर नहीं जाना? हाँ रुको। अरे बताता हूँ, रुको तो, देखो तो तुम्हारे पति तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। ये देखो, ये टी शर्ट और ये जीन्स, ये पहन के जाना है पार्टी में। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये टी शर्ट और जीन्स पहन के तुम बड़ी बड़ी हीरोइनों की छुट्टी कर दोगी। आप सच कह रहे हैं? सचमुच आप ये मेरे लिए लाए हैं? अरे और नहीं तो क्या, बगल वाली मिसेस गुप्ता के लिए लाया हूँ क्या? आप नहीं जानते आपने मेरे मन की कितनी बड़ी मुराद पूरी की है। बचपन से मुझे टी शर्ट जीन्स पहनने का बड़ा शौक था, पर पिताजी भैया पहनने नहीं देते थे, और यहाँ ससुराल में आके तो। अरे गोली मारो अपने भैया और पिताजी और ससुराल वालों के राज को, अपने पति के राज में अरमान कर लो पूरे। लेकिन मैं ये पहनकर घर से बाहर कैसे निकलूंगी, घर वालों ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। डोंट वरी बालिके, सारी समस्या का हल जय बाबा के पास है। तुम ये टी शर्ट और जीन्स पहन लो और ऊपर से साड़ी लपेट कर पहन लेना, फिर जाते वक्त कार में साड़ी निकाल देना, सिंपल। वाह क्या दिमाग लगाया है, कभी कभी तो मुझे आपकी समझदारी पर हैरानी होती है। अच्छा जी चलिए, अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाइए वरना पार्टी में जाने में देरी हो जाएगी। हाँ। जल्दी चलिए। सब लोग यहीं जमे हुए, थोड़ी देर के लिए इधर उधर नहीं हो सकते क्या? क्या मुसीबत है? अरे सबको बता तो चुके हैं कि डॉक्टर के पास जाना है, अब किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप धीरे से यहाँ से निकल लेते। एक पराठा और ले ले। नहीं दादी बस। ये क्या बेटा, दिन पर दिन तुम्हारी खुराक कम होती जा रही है, ये बात अच्छी नहीं है बेटी। अरे आप लोग कहाँ जा रहे भैया? ओ डॉक्टर के पास, कन्नू को डॉक्टर के पास ले जाना है ना। बहू ये कैसा ब्लाउज पहन रखा है तुमने? वो नया ब्लाउज बनवाया है। जल्दी चलो कन्नू, देर हो रही है। बहू बहू
ये क्या पहन रखा है तुमने साड़ियों पर? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, जवाब दो। ये क्या पहना है तुमने? दिखाओ मुझे। जय की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं, मैं जो कह रही हूं वो करो। सुनने और समझने की शक्ति खत्म हो गई क्या तुम्हारी, जो मेरी बात समझ नहीं आ रही? रहने दीजिए, नहीं जाना है मुझे डॉक्टर वॉक्टर के पास। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, सुना नहीं तुमने? देख लिया अपनी आंखों से, घर की बहू का चाल चलन देख लीजिए, देख लीजिए हम सब की आंखों में धूल झोंक कर ये गुल खिलाया जा रहा है। और जय, क्या है ये सब? हाँ, अब अपनी बीबी से फैशन परेड करवाने का नया शौक चढ़ा है तुम्हें? अम्मा वो मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं सुनना है मुझे। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, इस तरह की बेहयाई और निर्लज्जता मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मर्दों के लिबास में घर की बहू बेटियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा परिवार की मर्यादा और मान सम्मान का ख्याल रखना होगा तुम्हें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये जींस पहनकर मटकने का सपना अपने दिमाग से निकाल फेंको, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।